हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। और देखते हैं मेरी बिटिया लानी छो रही है किस तरह नटुली नटुली नटुली। तो दोस्तों कल है करवा चौथ और करवा चौथ के लिए अभी मार्केट नहीं हुआ है, बट वो साड़ी मेरी मम्मी मुझे दी है करवा चौथ के लिए, मतलब विदाई के लिए रखी थी बट पहनने के लिए दे दी है क्योंकि साड़ी नहीं लिया पाया। तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि मेरा साड़ी कैसा है और चैनल पे बने रहिए, दिखाऊंगी। और मार्केट हम लोग जाएंगे तो उसका ब्लॉग अलग शायद बने, बट चैनल पे बने रहिए दोस्तों। अभी मैं अपना साड़ी दिखाती हूँ और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा साड़ी कैसा है। और एक बात और, मतलब करवा चौथ पे साड़ी माँ का दिया हुआ पहन सकते हैं कि नहीं, ये भी कमेंट करिएगा। बट कई लोग कई तरीके से मतलब बताते हैं तो सोचा आप लोगों से भी पूछ लें। और मुझे व्रत रहना चाहिए कि नहीं, बट ये तो करवा चौथ व्रत है, इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। वैसे शाम को खाया जाता है, बच्ची भी है छोटी सी, तो इसलिए नटुल जी कह रहे थे कि मैं व्रत रह जाऊंगा, तुम अपनी व्रत ना रहो। तो बट व्रत उन्हीं के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए मैं रहती हूँ तो मुझे ही करना पड़ेगा। प्रॉब्लम भी है मुझे, बट रह लूँगी ऐसा नहीं है। तो जो भी सुझाव होगा बताइएगा। तो चलते हैं अपनी साड़ी की तरफ। दोस्तों देख सकते हैं यही करवा चौथ के लिए साड़ी मम्मी मुझे दी है, मतलब विदाई के लिए रखी थी, बट क्या करिएगा, मम्मी बोली कि सिल लो और करवा चौथ पे इसको पहन भी लेना। और यही मैं कल ब्लाउज सिली। और कमेंट में भी बताइएगा कि मुझे सिलाई करना चाहिए कि नहीं, बस सिल नहीं पा रही थी, प्रॉब्लम थोड़ा सा सर में आँख में दिक्कत हो रहा था, अभी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जल्दी जल्दी सिली क्योंकि क्या पहनूंगी। तो देख सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा साड़ी कैसा है। तो यही सब बात है दोस्तों, अब वही मेरा साड़ी रहा। और यहाँ पर मेरी बिटिया रानी देख सकते हैं सो रही हैं, इनके चक्कर में मैं काम भी नहीं कर पाती हूँ, मतलब कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। सिलाई जब करने गई दोस्तों तो कम से कम 4-5 बार इनको संभालने में लगा। वैसे तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता मुझे ब्लाउज सिलने में, बस बिटिया है रोने लगती हैं तो कई बार उठ के बैठना पड़ता है इनको। आपने वैसे यहाँ पर मशीन नहीं है तो बड़े भैया मतलब लगेंगे, बड़की मम्मी के लड़के उनका मशीन है, उन्हीं सिलाई मशीन पर जाकर मैं ब्लाउज सिली जो भी था सिलाई की। और नटुल जी का इंतज़ार कर देखते हैं कब तक आते हैं, आएंगे तो मार्केट करना, हम लोगों को जाना है। और अभी जो भी करवा चौथ का सामग्री अभी आया नहीं है और इसमें सारा श्रृंगार मतलब नया ही लगता है, बट देखते हैं कब तक आते हैं, उसके बाद हम लोग मार्केट जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को दिखाएंगे दोस्तों जो जो सामान लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता जी।